संजय, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चुनाव तो सबसे बड़ा मेला है, उसकी नियंत्रण की जिम्मेदारी जिस देश में 140 करोड़ लोग हों, 90 करोड़ मतदाता, दुनिया इसी बात का अचंभा मानती है, ये कर कैसे जाते हैं, यहां चुनाव हो कैसे जाते हैं? वहां सरकार अगर चुनाव आयुक्त चुनने लगे तो क्या निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है या बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? देखिए संदीप, जनता तो ऐसा मानती है कि पहले भी चुनाव आयोग की नियुक्ति करता कौन था, तो सरकार करती थी। लेकिन ये जो जिस चीज के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, स्पेसिफिक चर्चा है। स्पेसिफिक चर्चा क्या है? पहले एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर 3 आदमी की कमिटी है तो एक विपक्ष के नेता, एक प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बहुत स्पेसिफिक बात हो रही है कि अब सरकार ने जो पहल की है, जो सरकार कानून बनाने जा रही है या शायद बन गया, अब कानून तो नहीं बना, राज्यसभा में पेश किया गया, अब उसमें चीफ जस्टिस के कानून तो जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तो कानून कैसे बनेगा। अब उसमें स्पेसिफिक बात यह है कि चीफ जस्टिस को हटाकर आपने एक प्रावधान लाया कि इसमें एक मंत्री होंगे। आम जनता इसको कैसे देखेगी, हंसेगी इस पर? अगर आप निष्पक्षता की बात करेंगे और कहेंगे कि यह संशोधन इसी के लिए किया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष रूप से काम करे, तो इस पर तो कोई डिबेट नहीं, लोग हंसेंगे। तो आम जनता के नजरिए से तो बहुत साफ दिख रहा है कि कम से कम सरकार का ये जो कदम है वो बिल्कुल इसलिए है क्योंकि सरकार चाहती है कि उनके पसंद का व्यक्ति चुनाव आयोग में उसको बहाल किया जाए। और सरकार जब भी पहल करे जिस व्यक्ति को चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त बनाने के लिए, इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए, तो कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में रहा होगा कि अगर सीजे है उसमें, क्योंकि जो प्रपोजल था पहले उसके हिसाब से 3 अलग-अलग लोग थे और ऐसी स्थिति कभी आ सकती थी कि सरकार को सबको समस्या आ जाए क्योंकि 2 लोग प्रधानमंत्री के निर्णय या सरकार के निर्णय का विरोध कर सकते थे। तो मुझे लगता है आम जनता के नजरिए से देखें संदीप, तो बहुत स्पष्ट है। आम जनता को लगेगा, थोड़ा मुस्कुराएंगे, जो बिल्कुल घोर बीजेपी समर्थक हैं वो मुस्कुराएंगे, कहेंगे हमेशा ऐसा ही होता रहता है, इसमें क्या बात है। लेकिन अगर मन को टटोल कर पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, ये तो बेईमानी हो रही है या बेईमानी करने का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।